Greetings to all of you. In the last video, we discussed about the autotrophic mode of nutrition, which was the first type of nutrition. Today we will discuss about the heterotrophic mode of nutrition, which is the second mode of nutrition in the organism. The mode of nutrition in which organism obtain its food from another organism. अगर ऑर्गेनिज्म अपना खाना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहा है, अपने आप बनाने में कैपेबल नहीं है, तो उस मोड को हम हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे. हेटरोट्रोप्स, हेटरो मीन्स अदर, ट्रोप मीन्स नरिशमेंट. सो ऑर्गेनिज्म विच आर ऑब्टेनिंग देयर नरिशमेंट फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, दोज आर नोन एज हेटरोट्रोप्स, और द ऑर्गेनिज्म परफॉर्मिंग हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स. वाई दीज आर कंज्यूमर? बिकॉज दीज आर कंज्यूमिंग द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द शेक of obtaining nutrition. That is why these are known as consumer. While the autotrophs are known as producer, because they were able to produce the food material, so those are known as producer. Now, types of heterotrophic nutrition. You know, there are no further types in the autotrophic mode of nutrition, but heterotrophic mode of nutrition can be of many type. So first type is saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition means organism obtain its food from dead and decaying matter. Example, dead organism excreta fallen leaves. मतलब जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म गले सड़ा जो मटेरियल है, डेड प्लांट है, डेड ऑर्गेनिज्म है, फिशल मैटर है, उनको डिकम्पोज करके एनर्जी अपना अपनी बॉडी में लेके जा रहा है, तो उस मोड को हम सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे. और वो ऑर्गेनिज्म जो इसको परफॉर्म करेंगे, दोज आर नोन एज सेप्रोफाइट्स. एग्जाम्पल आर मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड, बैक्टीरिया, ए फ्यू प्लांट, ए फ्यू एनिमल्स. दे परफॉर्म एक्सटर्नल डाइजेशन विच अकर आउटसाइड द बॉडी. यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है बात पे कि वो फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेकर नहीं जाते, अपना डाइजेस्टिव जूस उस मटेरियल के ऊपर सिक्रीट करेंगे और बाहर ही फूड को डाइजेस्ट करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल डाइजेशन. उस डाइजेस्टेड मटेरियल में जो एब्जॉर्बेबल फूड है उसको वो अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे. बिकॉज दे आर कंज्यूमिंग the dead and decaying matter, so these are also known as natural cleaners. इनको natural cleaners बोला जाता है, क्योंकि प्रकृति में जो भी कूड़ा करकट होता है उसको ये decompose करके आपका जो simple form में soil के अंदर mix कर देते हैं. Second type of heterotrophic mode of nutrition is parasitic. Organism obtain its food from the other organism and live on the body of that organism. यहाँ पे भी क्या हो रहा है, दूसरे organism से ही अपना food लेगा, लेकिन difference क्या है कि वो उस organism की body के ऊपर ही रहेगा, तो उसका habitat भी उसकी body होगी और उससे ही वो अपना food derive करेगा without killing that organism immediately. The organism which provide food and shelter to a parasite is known as होस्ट. जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पोजेस करेगा, दैट विल बी नोन एज पैरासाइट. और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के वो उससे फूड लेगा और उसकी बॉडी पे ही अपना शेल्टर बनाएगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, हम उसको होस्ट बोलेंगे. वो उसको होस्ट कर रहा है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर रहा है, हालांकि उसमें उसका लॉस हो रहा है, बट स्टिल क्या है, पैरासाइट उसकी बॉडी पे रह के अपना फूड ले रहा है. तो इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, दैट इज नोन एज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट इज एंडो पैरासाइट. एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी, विच लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट. जो होस्ट की बॉडी के अंदर रह रहा है और वहां से अपना फूड डिराइव कर रहा है, उस टाइप के पैरासाइट को हम एंडो पैरासाइट बोलेंगे. लाइक प्लाज्मोडियम, विच इज ए मलेरियल पैरासाइट, एस्केरिस
टेप वॉर्म इज देयर, ये ह्यूमन या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहेंगे और वहीं से अपना फूड डिराइव करेंगे। सेकेंड टाइप ऑफ पैरासाइट्स आर एक्टो पैरासाइट। एक्टो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, जो ऑर्गेनिज्म की आउटर सरफेस या ओवर द सरफेस है जो होस्ट की, उसके ऊपर आएंगे और वहां से क्या है अपना फूड ड्राइव करेंगे। दीज कैन बी ऑफ टू टाइप, टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट। टेम्परेरी पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी को विजिट करेंगे, वहां से अपना फूड ड्राइव करेंगे और वापिस चले जाएंगे, लेकिन जो परमानेंट होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली उसी की बॉडी पे रहेंगे और वहीं से धीरे धीरे फूड को ड्राइव करते रहते हैं। एग्जाम्पल्स आर लीच, बेड बग्स जो आपके खटमल होते हैं, टिक्स हैं, लाउज हैं, कसकूटा है, कसकूटा जो अमरबेल होती है उसको बोला जाता है, प्लांट पैरासाइट है, पार्शियल पैरासाइट विच इज नॉट हैविंग एनी क्लोरोफिल पिगमेंट, सो इट विल ड्राइव इट्स फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, बट इट इज हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, सो इट कैन एब्जॉर्ब द वॉटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, दैट इज वाई इट इज नोन एज पार्शियल पैरासाइट। लाउज जो जुए ह्यूमन बींग के हेड में सिर में हो जाती हैं, उनको हम लाउस या लाइस बोलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इन्वॉल्व इनटेक ऑफ सॉलिड पीस ऑफ फूड। वहां पे आप क्या देख रहे थे, लास्ट जो हमने दो मोड डिस्कस किए हैं, पैरासाइटिक और इससे पहले क्या किया था सेप्रोफाइटिक, वहां पे बॉडी से क्या हो रहा है, या तो ऑर्गेनिज्म जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एज इट इज एब्जॉर्ब कर रहा है, या उसको बॉडी से बाहर एब्जॉर्ब करके फिर अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्बेबल फूड मटीरियल है सिर्फ उसी को अंदर लेके आ रहा है। होलोजोइक में ऐसा नहीं होता, पूरा का पूरा जो सॉलिड फूड पार्टिकल हैं, पीसीज हैं, उनको बॉडी के अंदर लेके जाया जाता है और उसको डिफरेंट प्रोसेसेस से क्या है उसको डाइजेस्ट करके एनर्जी उससे प्राप्त की जाती है। दीज आर ऑफ थ्री टाइप, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मीन्स द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द प्लांट, जो प्लांट मटेरियल ही ले रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को आप हर्बीवोरसिस बोलोगे। एग्जाम्पल्स आर काउ, डियर, गोट, रैबिट, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, हॉर्स है, बफेलो है, आप किसी भी तरह का ऐसा ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं जो सिर्फ प्लांट मटीरियल को ही अपना फूड बना रहे। सेकेंड टाइप इज कार्निवोरसिस, कार्निवोरसिस क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द अदर एनिमल और विच ईट द फ्लैश और मीट ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म, दोज आर नोन एज कार्निवोरसिस, दीज आर नोन एज हंटर और प्रीडेटर, इनको शिकारी बोला जाता है क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या है किल करके उससे अपना खाना बना रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म विच आर हंटेड बाई प्रीडेटर, जिन ऑर्गेनिज्म को ये किल कर रहे हैं उनसे अपना फूड ले रहे हैं उनको हम प्रे बोलेंगे, मतलब क्या हो गया वो शिकार हो गए, ये शिकारी हो जाते हैं और ये शिकार हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर लोयन, टाइगर, लियोपार्ड, स्नेक, आप सब लोगों को पता है ये क्या करते हैं, ये सिर्फ दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं और उससे उसी को अपना खाना बनाते हैं, ये कभी भी जो हर्बीवोरस डाइट है उसको कंज्यूम नहीं करते, दीज आर एक्सक्लूसिवली कार्निवोरसिस। थर्ड टाइप इज ओमनिवोरसिस, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स मटेरियल, दोज आर नोन एज ओमनिवोरस, तो जो ऑर्गेनिज्म हर्बीवोरस डाइट भी लेते हैं और कार्निवोरल डाइट भी लेते हैं उन ऑर्गेनिज्म को आप ओमनिवोरस बोलोगे। ओमनी का मतलब क्या होता है, सब कुछ, तो सब कुछ जो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं उनको हम ओमनिवोरस बोलेंगे। एग्जाम्पल आर क्रो, आंट, कॉकरोच, रैट, कैट, डॉग, ह्यूमन, आप सबको पता है ये जो भी ऑर्गेनिज्म मैंने अभी बोले हैं ये क्या होते हैं, चाहे इनको हर्बीवोरल डाइट मतलब वेजिटेरियन फूड दे दो या नॉन वेजिटेरियन फूड दे दो, ये सब कुछ क्या है कंज्यूम कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज ओमनिवोरसिस। नाउ
there are different steps in the holozoic nutrition. We will discuss them one by one. First step of the holozoic nutrition is ingestion. In का मतलब क्या होता है? अंदर. तो अंदर जो फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाने की प्रोसेस है उसी को हम ingestion बोलेंगे. The process of uptake of solid food material inside the body. आपने क्या किया? Solid food material को बॉडी के अंदर लेके गए, चाहे वो आप माउथ के अंदर डायरेक्टली लेके गए हो या विद द हेल्प ऑफ हैंड्स आपने यूज किए उसके लिए, या फिर सीलिया फ्लैजिला है जो लोअर ऑर्गेनिज्म वो यूज करेंगे. तो इस तरह की जो प्रोसेस, आपने क्या किया, सिर्फ खाने को उठाया और अपनी बॉडी के अंदर लेके चले गए, इस प्रोसेस को हम इंजेशन बोलते हैं. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है फॉर द प्रोसेस ऑफ इंजेशन. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्यों है? क्योंकि इसके बिना आगे फर्दर जो स्टेप्स हैं वो कैरी आउट हो ही नहीं सकते. तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी कोई भी मशीन है उसके अंदर फ्यूल डालना पड़ता है. तो हम अब फूड को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, तो ये उस फ्यूल को हमारी बॉडी में लेके जाने की प्रोसेस होती है. सेकेंड इज डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन. आपने क्या कहा यहाँ पे, कन्वर्ट मतलब किसी चीज को कन्वर्ट कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो. ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म. जो भी आप फूड लोगे वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. डिफरेंट टाइप के जो डाइजेस्टिंग एंजाइम है उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे ताकि आप उनको यूज कर पाओ. और वो सिंपल फॉर्म क्या है, वो एब्जॉर्बेबल मतलब ब्लड के अंदर एब्जॉर्बेबल होनी चाहिए, या दूसरी सेल है जो सराउंडिंग में या जो डाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है उन सेल को भी फूड चाहिए क्योंकि वो कुछ और फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी. तो उन सेल्स के अंदर वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, उनको एनर्जी दे सके, इस तरह की फॉर्म में हमें उसको लेके आना होता है. नेक्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन. डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी टू गेट द एनर्जी. अब ये हमने इतनी मेहनत की है, इतनी एनर्जी इसके ऊपर लगाई है डाइजेशन के ऊपर, तो वो किस लिए लगाई है, ताकि जो आगे फर्दर हमने डाइजेस्ट किया है फूड उसको एब्जॉर्ब कर सकें, उसको यूज कर सकें. फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. एब्जॉर्ब्ड फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी. जो आपने सिंपल फूड कन्वर्ट किया है उसको अब क्या करोगे, आप दोबारा से अपनी बॉडी बिल्डिंग में या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल बनाने के लिए यूज करोगे, ताकि वो आपकी बॉडी में क्या कर पाए, मतलब जो बिल्डिंग बॉडी बिल्डिंग की प्रोसेस है उसमें वो पार्टिसिपेट कर पाए. तो सिंपल सब्सटेंस को आप दोबारा से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करोगे, बट अकॉर्डिंग टू यूर बॉडी नीड्स. That is known as assimilation. The last step is egestion. E means exit. The process of removal of undigested component of food out of the body. अब सारा food material जो आप लेते हो वो digestible नहीं होता है, वो मतलब पचाने के योग्य नहीं होता है, आप उस आपकी body जो है complete form में उसको digest नहीं कर पाती. उसमें से कुछ component है जो वहाँ पे बच जाता है, उस component को body से बाहर निकाल दिया जाता है anus के through, या जो भी facilitating organ है उसके through उसको body से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसी को हम ingestion बोलेंगे. In the next video, we will discuss about the digestion in amoeba and digestion in the human. Thank you.